हेलो फ्रेंड्स, कोटा किचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाऊंगी बेसन गिट्टे की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ लिया है मैंने 1 कप बेसन, 2 चुटकी हींग और थोड़ी सी लिए मैंने बारीक वाली सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन है, टेस्ट के अनुसार नमक है, थोड़ा सा जीरा ले लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और 1/2 चम्मच हमने मिर्च पाउडर लिया है। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम बेसन को डाल देंगे और इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सौंफ डाली है, हींग डाल दी है, हल्दी पाउडर, जीरा, अजवाइन डाली है, टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है और 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1/4 चम्मच मैं इसमें खाने वाला सोडा भी मिलाऊंगी। तो ये मैंने सोडा भी मिला दिया है और अब मैं इसे हाथ की सहायता से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, देसी घी डालने से गिट्टे हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो घी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आटा हमारा तैयार करेंगे गूंथ कर, वो ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा गूंथ कर मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं इसका एक डो बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। तो इसको मैंने ढक दिया है और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा है। अब मैंने यहाँ गैस में एक बर्तन रखा हुआ है और बर्तन में मैंने 2 कप पानी रख दिया है। तो पानी को हम कर लेंगे अच्छा गर्म। और तब तक मैंने यहाँ 1 प्याज को बारीक कट कर लिया है, 2 हरी मिर्ची उन्हें भी बारीक कट कर लिया है, 6-7 लहसुन की कलियों को कूट लिया है और 1/2 इंच का अदरक है जिसको भी मैंने घिस कर तैयार रखा है। तो फ्रेंड्स, 10-15 मिनट बाद बेसन फूल कर तैयार है। तो इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लूँगी इस तरीके से और मसल कर इसका एक रोल तैयार कर लूँगी। इस रोल के मैं 4 पार्ट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 हिस्से इसके कर लिए हैं और इस तरीके से मैं बेसन गिट्टे तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से रोल करके और मैंने यहाँ गट्टे तैयार कर लिए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो अब हमारा ये पानी भी देखिए फ्रेंड्स अच्छे से उबल चुका ही है, इसमें अच्छे बबल्स आ रहे हैं। तो इसी स्टेज पर हम इसमें ये गट्टों को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस जगह पर हमें गैस को हाई रखना है और पानी को उबलते हुए रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गट्टे हमारे अच्छे से उबल रहे हैं, ये देखिए। और अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हें पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये 7 से 8 मिनट में अच्छे से उबल कर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गट्टों पे अच्छे से बबल्स आ चुके हैं और ये उबल कर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और ये जो पानी है इसको हम ग्रेवी में काम में ले लेंगे। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और उसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल दूंगी। तो जब तक तेल गर्म होता है हम बाकी के मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है। तो इनमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इनको फूलने के लिए रख देंगे। तो जब तक मसाले फूलते हैं और तेल गर्म होता है, तब तक हम बेसन के जो हमने गट्टे तैयार किए थे उनको भी हम कट कर लेंगे क्योंकि ये ठंडे हो चुके हैं। तो इस तरीके से बेसन के गट्टे को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सॉफ्ट बने, बहुत ही आसानी से ये काटे जा रहे हैं, ये देखिए। अब इधर तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 5-6 काली मिर्च डाल दूँगी और यहीं पर मैं डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्च और साथ में डालूँगी तेज पत्ता और 2 मैंने यहाँ साबुत लाल मिर्च डाली है। अब यहीं पर मैं डाल दूंगी
बारीक कटा हुआ प्याज, और दरदरा कुटा हुआ लहसुन, और ये अदरक जिसको मैंने घिस लिया था। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक से डेढ़ मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और एक डेढ़ मिनट बाद इसमें हम जो हमने मसाला तैयार किया था गलाकर, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑयल भी अलग हो चुका है, ये पक गया है। और अब मैं यहाँ आधा कप फ्रेश मलाई डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, कई लोग इसमें दही का भी इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने यहाँ फ्रेश क्रीम ली है और इससे टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। तो आप एक बार इसमें क्रीम डालकर देखें, ये जो मैंने मलाई डाली है ये डालकर देखना, सब्जी आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए तेल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए गट्टे। तो गट्टे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने गट्टे उबाले थे तो वो वाला पानी बचा हुआ था, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ ग्रेवी थोड़ी कम लग रही है, तो इसमें मैं एक कप पानी और मिलाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि गट्टे पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये इसमें ग्रेवी कम रह जाएगी। तो मैंने यहाँ और पानी ऐड किया है और साथ में इसमें डाल दिया है मैंने टेस्ट के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि नमक हमने गट्टों में भी डाला था, तो उसी हिसाब से हमें नमक डालना है। और अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद ये पककर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मैंने एक चम्मच कसूरी मेथी ऐड की है और गैस को कर दिया है बंद। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसन गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। तो इसमें मैंने डाल दिया है अब कटा हुआ धनिया। तो अब ये सब्जी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनकर बिल्कुल तैयार है। ये आप रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।